जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरमीडिएट के बारे में, ट्वेल्थ के बारे में कि टेंथ के बाद हम कौन कौन से सब्जेक्ट लेते हैं ट्वेल्थ में, तो इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत से लड़के लड़कियों का कमेंट आता है कि सर टेंथ के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को हम लेकर के पढ़ाई करेंगे कि जिससे हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, अपने अपने इच्छा के अनुसार होता है, जिसका जिसमें ज़्यादा रुचि होता है उस सब्जेक्ट अपना लेते हैं। तो आपको आज बताने वाला हूँ कि ट्वेल्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन से कितने मार्क्स को होते हैं, कितना पासिंग मार्क्स होता है, कौन से ऐच्छिक सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आज आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन क्या होता है। इसमें देखिए तीन तरह के सब्जेक्ट होते हैं, अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं, ऐच्छिक सब्जेक्ट होते हैं, अतिरिक्त सब्जेक्ट होते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कंपलसरी, ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो देखिए अनिवार्य सब्जेक्ट का मतलब होता है कंपलसरी सब्जेक्ट हमें कौन कौन से होते हैं जो सबको लेना होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका हिंदी, एक अल्टरनेट इंग्लिश और एक लैंग्वेज इंग्लिश जो है होता है, जो कि हिंदी जो होता है 50 नंबर का होता है, अल्टरनेट इंग्लिश 50 नंबर का होता है और लैंग्वेज इंग्लिश जो है 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको 15 नंबर हिंदी में लाना होता है, अल्टरनेट इंग्लिश में 15 नंबर और लैंग्वेज हिंदी में 30 नंबर लाइएगा तो आप पास होइएगा। अब आपको हम आपको बता दें कि ऐच्छिक सब्जेक्ट के बारे में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप उसको ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जैसे मैं देखिए, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑप्शनल में कौन लेता है, ऑप्शनल जिसको इंजीनियरिंग करना हो, जिसको डिफेंस में जाना हो। जैसे डिफेंस का मतलब क्या हो गया, डिफेंस का मतलब हो गया कि एनडीए का फार्म अप्लाई करना हो, आईएमए में जाना हो, आपको सीडीएस में जाना हो, तो उसके लिए जो है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री लेते हैं लोग। और मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है 100 मार्क्स का होता है, इसमें 33 लाना होता है। देखिए दोस्तों, आप जो है मैट्रिक जो साइंस पढ़े होंगे तो उसमें 30 पर ही पास होता है, लेकिन इसमें जो है 33 नंबर लाइएगा तो आपको फिजिक्स में पास होइएगा, केमिस्ट्री में भी 33 लाना होगा और मैथ में जो है 30 नंबर लाइएगा तभी आप इसमें पास होइएगा। अतिरिक्त सब्जेक्ट यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। बहुत लोग जो है मैथ ले लेते हैं तो कोई बायो ले लेता है, अब किसी को डॉक्टरी लाइन में जाना है तो वो जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में अपना बायो ले लेता है, क्योंकि उसको डॉक्टरी करना है यानी कि नर्सिंग करना हो जिसको भी, वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट में यहाँ पर बायो ले लेता है और अतिरिक्त सब्जेक्ट में मैथ ले लेता है। अतिरिक्त सब्जेक्ट यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। और इसमें जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपका जो है प्रैक्टिकल भी होगा, प्रैक्टिकल में भी आपको नंबर दिए जाएंगे, तो ये स्कूल से जो है प्रैक्टिकल में आपको नंबर दिए जाएंगे। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया कि टेंथ के बाद ट्वेल्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स लाने पर पास आउट होते हैं। तो आप इसी तरह मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद जय भारत।